खट्टर साहब का, योगी साहब का कोई परिवार नहीं है जिनके घर बहन बेटियां होती है, उनको महिलाओं का दर्द समझ आता है। नहीं भाई, आप ये जो है इसकी, ये आप इसको बाहर निकालो, आप महात्मा गांधी को आजाद करो, महात्मा गांधी यहाँ पर भी आपने कैद कर लिया पुलिस लाइन के अंदर। देखो सही बात है, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बलात्कार और हत्या के केस को लेकर आज गुड़गांव में धरना प्रदर्शन हुआ। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। साथी रितु सैनी ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने आज पुलिस लाइन जाकर हाथरस की बेटी के साथ हुए अत्याचार का विरोध जताने का प्रयास किया। आप खट्टर साहब का, योगी साहब का कोई परिवार नहीं है जिनके घर बहन बेटियां होती है, उनको महिलाओं का दर्द समझ आता है। पता चल जाता है, बहन बेटी बना रखे, नेता बना रखे, बेटी नहीं कुछ नहीं लेना देना नहीं। नहीं भाई, आप ये जो है इसकी, ये आप इसको बाहर निकालो, आप महात्मा गांधी को आजाद करो, महात्मा गांधी यहाँ पर भी आपने कैद कर लिया पुलिस लाइन के अंदर। ड्यूटी हमारी ड्यूटी जाओ, जब तक आप कोई राजघाट नहीं है, हमने सिर्फ क्यों जाए राजघाट, अपने गुड़गांव में जाएंगे हम लोग, थाना घर नहीं है, घर का है यही जबरदस्ती का प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सुनीता जी, आप सुबह किस लिए आते हैं, क्यों मारपीट करी आपको? देखिए ऐसा है कि हम लोग आके, हमें पहले तो मेन एंट्री बंद कर रखी है आज, मेन एंट्री हमारी उधर से मेन एंट्री होती है फारा चौक से पुलिस लाइन की, वो बंद थी। हम लोग पैदल पैदल आ गए अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके, हम चुपचाप आके खड़े हो गए, भास्कर जी, मैं और पंकज जी, और पुलिस वाले आए, एक तो सब इंस्पेक्टर मूलचंद जी और उनके साथ दो चार और लोग थे। बोले तुम कैसे खड़े हो? हमने कहा महात्मा जी के स्टैचू पे हमने माला चढ़ाना है और थोड़ा हमारा आज यहाँ बैठने का है, बस और कोई ज़्यादा कार्यक्रम नहीं है। तो कहने लगे आप कैसे खड़े हो सकते हैं अंदर, पुलिस लाइन हमारी है। हमने कहा पुलिस लाइन आपकी है, स्टैचू तो आपके नहीं है, महात्मा जी तो आपके नहीं है ना, महात्मा जी तो पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के हैं महात्मा जी। तो आज ऐसे दुर्व्यवहार किया, और जबकि ज़्यादा लोग भी नहीं थे हम, और इनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया पूरा भास्कर जी का, तो और मोबाइल भी इनका शायद वो भी हो गया थोड़ा सा मोबाइल भी। हमने और कहते इनको गाड़ी में डालो तीनों को, हमने कहा क्या किया उन्होंने, गाड़ी में क्यों डाल रहे हो, अगर आपके लोग भी बाहर होंगे बाहर निकलो, ये पुलिस लाइन हमारी है। तो आप आए किस लिए थे आज? आज हम आए हैं अपनी, हमारी बेटी मनीषा जो हाथरस की बेटी, जिसके साथ इतना बुरा हुआ है कि निर्भया कांड को भूल नहीं पाया था देश, दूसरा निर्भया कांड हो गया, हम उनकी उनके लिए आए थे, उनकी न्याय की उसके लिए आए थे, सत्याग्रह हम महात्मा बापू हमारे सत्याग्रह के, हमारी कांग्रेस पार्टी हमारी अहिंसा की पुजारी है, हम चुपचाप बैठने आए थे यहाँ, मौन व्रत था हमारा 11 से 1 बजे तक, तो मनीषा बेटी के न्याय के लिए आए थे। आरोपी आज भी स्वतंत्र घूम रहे हैं, आज भी आरोपियों का यही नहीं पता कि कहाँ है, योगी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप ये देखिए कि कितने दिन हो गए, सफदरजंग में बिटिया पड़ी रही, पहले बेटी पड़ी रही मनीषा यूपी में, यूपी से सफदरजंग लेके आए, किसी मिनिस्टर ने, यूपी के किसी मुख्यमंत्री ने ये ही नहीं पूछा कि ये बिटिया के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं ना देश में ना प्रदेश में, और उसके बाद भी यूपी में आप ये देखिए 4-5 केस हो चुके हैं, तो क्या गुंडाराज नहीं बोलेंगे क्या हम, देश में भी गुंडाराज है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ गया, बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से, आप ये देखिए बेटी ना देश में बच रही है ना बेटियां प्रदेश में बच रही हैं। आप ये देखिए हमारे हरियाणा में भी कितनी सुख शांति का माहौल था, आज आप देखिए हमारे हरियाणा में भी क्या हाल है, दिल्ली भी आए, मतलब क्या बेटियों के साथ क्या कर, आधी आबादी की कोई इज्जत नहीं है, आधी आबादी का कोई मान सम्मान नहीं है, अगर बेटी को बचा सकते थे ये लोग अगर पहले से ये लोग, उसके बाद जब मीडिया मीडिया ने हमारे ने थोड़ा बहुत दिखाना शुरू किया, तो प्रियंका जी ने क्या किया था, वो महासचिव है उत्तर प्रदेश की, वो जाना चाह रही थी, वो वहाँ की इंचार्ज है प्रभारी है, उनको नहीं जाने दिया, कितना बुरा उनके साथ बदसलूकी की सबने देखा, राहुल जी को रोका गया, क्या हमारे लीडर विपक्ष विपक्ष का काम नहीं करने देगी क्या सरकार,
तो आज हम इसी के लिए सभी हम जिले लेवल पे हमारे पूरे देश में आज का ये 11 से 1 बजे तक का रखा गया है और हमारे जिले लेवल पे पूरे हरियाणा प्रदेश में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं घोर निंदा करती हूँ पुलिस की भी कि पुलिस ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। महात्मा जी अंदर कैसे रह सकते हैं? पुलिस लाइन में अगर महात्मा जी हैं तो हम लोगों को जाने देना चाहिए।